हेलो गाइस, वेलकम टू दीजिए मटी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अपडेट के बारे में, मार्वल फेस 4 के बारे में बात करेंगे, Q&A के बारे में, क्योंकि उससे रिलेटेड काफी सारे कमाल के अपडेट पता चले हैं जो कि रूसो ब्रदर्स का था। उसी के साथ बात करेंगे फैक्ट के बारे में और स्पाइडरमैन की बड़े अपडेट के बारे में जो कि आपको हिला डालेगा। तो अगर आपको वो अपडेट नोटिस कर लेते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो सबसे पहला अपडेट है रूमर, नोवा की इन फ्यूचर मूवी आ सकती है मार्वल फेस 4 में। और उसी के साथ Q&A में ये पता चला कि इसे इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में, जो कि डायरेक्टर कंफर्म करते हैं। उसी के साथ ये मूवी की शूटिंग स्टार्ट होगी 2020 से, जिसे डायरेक्ट करेंगे जेम्स गन। और इस मूवी की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी, जेम्स गन ने पहले ही ये चीज अनाउंस कर दी थी। विजन इज अलाइव Q&A में पता चला कंफर्म हो चुका है और ये आने वाली टीवी सीरीज में देखने को मिलेंगे और एवेंजर एंड गेम के बाद कंटिन्यूस स्टोरी होगी। इस मूवी की और इस टीवी सीरीज की जो पूरी रनिंग टाइमिंग है वो है 6 घंटे की, 8 से 7 एपिसोड देखने को मिलेंगे हमें डिज्नी प्लस पर। वाओ, मजा आने वाला है, सब सब्सक्राइब कर लेना। Q&A में ये कंफर्म हुआ कि अगर रूसो ब्रदर्स से पूछा जाए कि वो कौन सी मूवी डायरेक्ट करेंगे तो उन्होंने कंफर्म करा बैटमैन, यानी कि उनकी अगली चॉइस बैटमैन है DC की। उसी के साथ पता चला कि स्पाइडरमैन जैसी ट्रेलर लॉन्च हुआ और जैसी मल्टीवर्स की बात चली तो डिज्नी के मिलर, आप जानते हो उन सभी को, उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, यू सेइंग दे आर द मल्टीवर्स, यानी कि ये बहुत बड़ा माइल्स मॉरेल्स का हमारे लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए बहुत बड़ा कम्बाइनेशन कह सकते हो आप। उसी के साथ स्पाइडरमैन लाइव आएंगे जिमी के 9 तारीख को, तो सब देखना क्या अपडेट पता चलते हैं इन फ्यूचर। एवेंजर एंड गेम का टाइटल कंफर्म हो चुका है Q&A में, रूसो ब्रदर्स ने बोला कि इससे पहले हम टाइटल रखने वाले थे इन्फिनिटी गॉटलैंड, यानी कि ये चीज़ पहली से रिवील्ड हो गई थी तो इसलिए उन्होंने एंड गेम टाइटल रख दिया, जो कि आपको पता है कि गमूरा ने ये टाइटल रिवील्ड करा। उसके बाद कैथरीन का रोल कंफर्म हो चुका है कि वो टॉनी की डॉटर का रोल प्ले करने वाली थी, पर उनका ये सीन कट कर दिया गया और फाइनली उन्हें छोटा ही दिखाया गया, यानी कि रेचल छोटी थी बच्ची, तो इतना बड़ा बेटा या बच्ची दिखाना पॉसिबल नहीं था मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। Q&A में ये भी कंफर्म हुआ कि स्टीव रॉजर्स ने जो ट्विटर करा था इमोशनल वाला, उसे ये कंफर्म नहीं होता कि वो इन फ्यूचर कैप्टन का रोल नहीं करेंगे, बुक करेंगे। रिचर्ड कंफर्म हो चुके हैं जो कि गेम्स ऑफ थ्रोन्स में है, वो इन फ्यूचर हमें इंटरनल्स मूवी में देखने को मिलेंगे। माइकल कीटन यानी कि वल्चर, वो इन फ्यूचर नहीं दिखाई देंगे हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में। जो लोग अभी भी कन्फ्यूजन है, मैं उनको अभी भी कन्फर्म कर देता हूँ कि वल्चर हमें नहीं दिखाई जाएगा। उसी के साथ अगला अपडेट काफ़ी कमाल का, ब्लैक पैंथर के एक्टर और उसके साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के जो एक्टर है उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है 1 वीक पहले, काफ़ी कमाल का अपडेट है। और देन इसके साथ इन फ्यूचर मूवी भी कन्फर्म हो जाती है। उसके साथ ब्लैक विडो मूवी आ रही है 2020 में, आपको जैसा कि पता होगा, और इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट होगी जून के महीने से। और इसकी जो एक्ट्रेस हैं स्कारलेट जॉनसन, गॉर्जियस, कमाल का दिल आ जाता है इस पे लड़की पे। तो उसी के साथ इन्होंने 20 मिलियन लिए इस मूवी के लिए, अगर आपको नहीं पता है। अपकमिंग मूवी दी इंटरनल्स, जैसा कि आप सबको पता है कि इसकी कास्ट तो कंफर्म हो चुकी है, बाकी एक्ट्रेस तो धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे, तो इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी दी गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 पहले से, यानी कि 2020 में। थॉर एक्टर ने मार्वल फेस 4 के लिए 20 मिलियन लिए हैं, यानी कि वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में जब आएंगे तो शायद पॉसिबिलिटी उनका एक कैमियो होगा एज गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, जैसा कि हमें फ्यूचर में देखने को मिला था। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की रनिंग टाइमिंग मैंने पहले भी कंफर्म कर दी थी और ये रहा उसका स्क्रीनशॉट 2 घंटे 15 मिनट की, यानी कि आपको 2 घंटे 15 मिनट में मजे आने वाले हैं। मार्वल स्टूडियो फेस 4 में स्टैनली के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाने वाला है, तो सारे कैमियो को मिलाकर और कुछ कुछ पार्ट को एडिट कर कर वो दिखाएंगे। मार्वल फेस 4 की जो अपकमिंग मूवीज हैं तो डिज्नी की CEO ने कंफर्म कर दिया कि वो समर में इसमें अनाउंस करेंगे, यानी कि समर के महीने में। और ये मूवी आने वाली होंगी ब्लैक विडो इंटरनल्स, कैप्टन मार्वल 2, शांग ची, गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, डॉक्टर स्ट्रेंज 2, ब्लैक पैंथर 2, ये सारी मूवी हमें देखने को मिलेंगी, मजा आने वाला है। स्पाइडरमैन के भी हाल ही में कोका कोला कैंग दिखाए गए हैं, जिसमें कि उसके सूट दिखाए गए हैं, तो करीब 5 से 6 सूट ये पहनने का, और हमें दिखता है कि सार भी काफ़ी कमाल के होने वाले हैं। स्पाइडरमैन के 24 घंटे में ट्रेलर रिकॉर्ड तोड़ दिया, 135 मिलियन का रिकॉर्ड बनाया है स्पाइडरमैन के ट्रेलर ने, वाओ। उसी के साथ एक मैगजीन कवर में थॉर के फैट होने का राज बताया गया और डॉक्टर स्ट्रेंज में मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हो, मेरे फेसबुक पेज पर डाला हुआ है। देन काफ़ी कमाल का अपडेट है मार्वल स्टूडियो का, तो फाइनली डेव जॉनसन इन फ्यूचर में मार्वल स्टूडियो फेस 4 में देखने को मिल सकते हैं, उन्होंने अभी केविन फाइगी से मीटिंग भी करी है। उसी के साथ आंट में स्नैप में बच गई थी रूसो ब्रदर्स का कहना है, और जबकि स्पाइडरमैन फार होम के डायरेक्टर का कहना है कि वो नहीं बची हैं, तो किस पर विश्वास करें, अभी ये भी कन्फर्म नहीं हुआ है। उसी के साथ स्टैनली की ये लास्ट फोटो थी कैमियो की, जो कि रूसो ब्रदर्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली थी, तो सभी मिस करते हैं यार स्टैनली को। उसी के साथ काफ़ी कमाल का बड़ा अपडेट, हल्क का हाथ परमानेंटली डैमेज हो चुका है, इन फ्यूचर जब हल्का में दिखेगा तो वो अपने हाथ को यूज़ नहीं कर पाएगा। डिज्नी के शेड्यूल में कंफर्म हो चुका है कि न्यू म्यूटेंट्स अप्रैल 2020 को रिलीज होगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। उसी के साथ अब फैक्ट के ऊपर,
थैनोस की एज कंफर्म हो चुकी है, थैनोस टोटल 1000 साल का हो चुका है, यानी कि थॉर से 500 साल छोटा, समझ रहे हो ना। उसके बाद बड़ा अपडेट, स्पाइडरमैन हमें 20 अपकमिंग मूवीज में देखने को मिलेगा, यानी कि वो 5 मूवी तो अपनी बना चुका है, 15 और मूवीज में दिखने वाला है हमें स्पाइडरमैन। जो शेड्यूल लॉन्च हुआ था डिज्नी का, उसमें कंफर्म हो चुका है कि ये मूवी शायद कैंसिल हो सकती है, गेम्बिट पॉसिबली। एक और बिहाइंड द सीन जिसमें कि हमें एंड इन द वास और उसके साथ उसकी नई हीरो कह सकते हो आप, तो ये एक फ्यूचर का रिस्पॉन्स है जो कि उन्होंने इमेज करके डाला। कैप्टन ब्रिटिश नेमोर का रेफरेंस देखने को मिला, बहुत ही बड़ा। आपने एवेंजर एंड गेम में ध्यान दिया होगा कि वो कोई बात कर रही थी अर्थक्वेक की, तो वो नेमोर का रेफरेंस था, और पैगी कार्टर जब फोन से बात कर रही थी तो वो था कैप्टन ब्रिटिश का। तो इन फ्यूचर हमें ये दोनों कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं, और मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ पहले भी। तो गाइस ये थे वो काफी कमाल के अपडेट। अगर आपको इनमें से कोई भी अपडेट पसंद आया हो, और अगर आपने स्पाइडरमैन का अपडेट या फैक्ट पता चल चुका हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो, या तो उस पे थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।